कि 75 साल से 100 साल ये जो अमृत काल है, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है। हम सब ने, पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की लघुता ग्रंथि से मुक्त होकर हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाए। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने का। मित्रों, आज सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे पर इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम मिलता है।